बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो के अंदर मैं आपको SOC 401 कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी की GDB का सलूशन शेयर करूंगा, जो कि टोटल नंबर्स जो हैं इसके 10 हैं और 25 स्टार्टिंग डेट है और एंडिंग डेट 27 जून है। और इसका जो आपके पास क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन है वो फंक्शन लिस्ट व्यू ऑन स्ट्रैटिफिकेशंस के ऊपर है। तो आपने सिंपल एक क्वेश्चन दिया गया है, इसका आंसर करना है। फंक्शन लिस्ट व्यू स्ट्रैटिफिकेशंस एज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी बिलीविंग इट सर्व्स several important functions or purposes that contribute to social stability and efficiency। तो क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आपने क्या करना है, लिस्ट डाउन एनी 5 पॉइंट्स एक्सप्लेनिंग हाउ फंक्शन लिस्ट व्यू स्ट्रैटिफिकेशन एज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी। तो आपने 5 पॉइंट्स लिस्ट डाउन करने हैं, जो कि बताना है आपने कि किस तरह से फंक्शन लिस्ट जो है वो स्ट्रैटिफिकेशन को एज ए बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर शेयर करने के पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल व्यू शॉर्ट नोट्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और इस वीडियो को लाइक कर लें। तो चलते हैं क्वेश्चन सॉल्यूशन की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि GDB सॉल्यूशन है, इसके अलावा अगर आपको पेड सर्विसेज चाहिए, क्विज़ेस, GDB असाइनमेंट सॉल्यूशन अवेलेबल हैं। और इसके अलावा आपको इंटर्नशिप्स, रिपोर्ट राइटिंग, प्रोजेक्ट्स के रिलेटेड कोई रिपोर्ट राइटिंग वगैरह करवानी है तो उसके लिए भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम देखते हैं इसका आंसर। ये मैंने बिल्कुल शॉर्ट करके बताया, लिखा हुआ है, आपने इसको जो है ना थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आंसर करना है, सेम एज कॉपी पेस्ट नहीं करना। और इसको आपने इन पॉइंट्स को ज़्यादा एलेबोरेट करना है क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो 10 नंबर का है। ठीक है, तो इसलिए आपने इस बात को ज़हन में रखना है, उसके अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन आपने शेयर करना है। आपके आंसर की जो वर्ड लिमिट है 250 से 300 है। अनाउंसमेंट सेक्शन में आपने जाके इसको ज़रा देख लेना है मज़ीद क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो जाती है तो इसलिए मैं थोड़ा सा शॉर्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। नंबर 1 पॉइंट है मोटिवेशन एंड इनोवेशन। Functionalists argue that stratification provides incentives for individuals to work harder and innovate as they strive for higher status and rewards. This leads to economic growth and progress. तो यहाँ पे अगर आप देखें, आप फंक्शनलिस्ट जो होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं, इंसेंटिव्स एंड फॉर इंडिविजुअल्स टू वर्क हार्ड। लोगों को मोटिवेशन प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना काम जो है ना हार्ड वर्क करें, ताकि इससे क्या होगा कि रिकॉर्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ और प्रोग्रेस होगी। इसी तरह से फिर उनको रिवॉर्ड भी दिया जाता है, हायर स्टेटस और रिवॉर्ड दिए जाते हैं जिसकी वजह से वो मोटिवेट होते हैं। दूसरे नंबर पे है सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। स्ट्रैटिफिकेशन हेल्प्स मेंटेन सोशल ऑर्डर बाय creating a sense of hierarchy and authority, ensuring that individuals know their rules and responsibility। तो सोशल आर्डर एंड स्टेबिलिटी होना सोसाइटी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। फंक्शनलिस्ट जो हैं वो ये प्रोवाइड करते हैं, हेल्प करते हैं तो इस सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखने के लिए। ठीक है, नंबर 3 के ऊपर आ जाएगा रिसोर्स एलोकेशन। फंक्शनलिस्ट बिलीव्स दैट स्ट्रैटिफिकेशन इनेबल्स द एफिशिएंट एलोकेशन फॉर रिसोर्सेज एज दोज विद मोर टैलेंट एंड एबिलिटी आर रिवार्डेड विद हायर स्टेटस एंड कंपनसेशन। तो रिसोर्सेज एलोकेशन के अंदर फंक्शनलिस्ट जो है ना उनका बिलीव होता है कि ये एफिशिएंट एलोकेशन रिसोर्सेज में जो टैलेंट और एबिलिटी जो है उनको रिवार्ड और हायर स्टेटस देने से सोसाइटी के अंदर बेहतरी आती है। सोशल इंटीग्रेशन, फिर आगे फर्दर पॉइंट नंबर 4 है स्ट्रैटिफिकेशन प्रमोट्स सोशल इंटीग्रेशन बाय क्रिएटिंग अ शेयर सेंस ऑफ वैल्यूज़ एंड गोल्स। वैल्यूज़ एंड गोल्स शेयर करने के ऊपर लोग जो हैं वो प्रमोट क्या करते हैं, सोशल इंटीग्रेशन। एज इंडिविजुअल स्टीव्स टू अपवर्ड मोबिलिटी एंड सोशल एक्सेप्टेंस। तो ये जनाब स्ट्रीव करता है अपवर्ड मोबिलिटी एंड सोशल एक्सेप्टेंस। नंबर 5 के ऊपर है रोल डिफ्रेंशिएशन। Functionalists argue that stratification allows for role differentiation where individuals are directed towards roles that suit their abilities, leading to a more efficient division of labor and increased productivity. तो नंबर 5 के ऊपर जो है जो फंक्शनलिस्ट हैं रोल डिफरेंशिएशन प्रोवाइड करते हैं, जिसकी वजह से आप की जो लेबर है उसमें जो डिवीज़न आप कर लेते हैं एफिशिएंटली, के जो अच्छी एबिलिटी वाले लोग हैं उनको अलग कर लेते हैं, डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो आपकी प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ जाती है कि जो सूटेबल लोग जिस काम के लिए होते हैं वहाँ पे आप यूटिलाइज़ करते हैं, तो इसका ये असर होता है कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। तो ये आज का जो क्वेश्चन था आपका, उसका आंसर था। आपने इसको 250 से 300 के राउंड अबाउट आंसर्स में लगाना है। 5 पॉइंट्स आपने लिखने हैं और अकॉर्डिंग टू आंसर लिखना है, लॉजिकली लिखना है, जिस तरह से मैंने आपको यहाँ पे बताया है। आपने इसी तरह से इसको अपने वर्डिंग में मज़ीद एक्सप्लेन करके वर्ड फाइल में लिख के फिर वहाँ से कॉपी करके आपने यहाँ पे GDB में पेस्ट कर दें। आई होप कि आपको हेल्प हो चुकी होगी। फिर भी आपने कोई भी क्वेश्चन आप इस व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। कम्युनिटी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उन कम्युनिटीज़ को ज्वाइन कर लें, उसमें मैं तमाम तरह की वीडियोस शेयर करता रहता हूँ। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।